जादुई हथौड़ा। रमेश अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके दादाजी बहुत पहले दिल्ली कमाने गए, पर लौट कर नहीं आए। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। दादी बड़ी बड़ी कोठियों में काम करके उसको पढ़ा लिखा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी आँखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए सारे काम छूट गए थे। एक दिन रमेश किसी काम की खोज में निकल पड़ा। उसने इधर उधर देखा, एक चौराहे पर भीड़ लगी थी। सुबह का वक्त था। एक जगह उसने देखा कि बहुत सारे मजदूर खड़े हैं। वह भी उनमें जाकर शामिल हो गया। पूछने पर पता चला कि जिन लोगों को मजदूरों की जरूरत होती है, वो यहीं से मजदूर ले जाते हैं। उसने सोचा, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो मजदूरी करके ही गुजारा कर लेता हूँ। कोई आता तो सारे मजदूर उधर लपक जाते। वह कुछ लोगों को लेकर चला जाता। वह सारे दिन वहीं खड़ा रहा, पर उसे किसी ने नहीं पूछा। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, बेटा, उन लोगों को काम करवाने के लिए एक मजदूर चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है पढ़े लिखे हो, इसीलिए तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया। और आपको? उस बूढ़े ने उदास होते हुए कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और वैसे भी मुझे काम कौन देगा, पर रोज अपनी किस्मत आजमाने आ जाता हूँ। कोई तो होगा जिसे मेरी जरूरत होगी। दूसरे दिन वह मजदूरों जैसे कपड़े पहनकर मजदूरों वाली लाइन में लग गया। उस दिन तो वाकई में उसे काम मिल गया। ठेकेदार ने कहा, ईंट गारे का काम है, 300 रुपए रोज के मिलेंगे। रमेश ने झट से हाँ कर दिया। दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद वह शाम को जब दादी के पास आया तो दादी उसी का इंतजार कर रही थी। उसने पैसे लाकर दादी को दे दिया और बोला, दादी, ये मेरी पहली कमाई है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो एक ऊंची इमारत का काम है, मुझे रोज काम मिल जाएगा। दूसरे दिन जब वह काम से वापस आने के लिए घर की तरफ जाने लगा, तभी उसके पैरों में ठोकर लगी। उसने देखा कि एक हथौड़ा गिरा था। उसने हथौड़े को उठाकर बैग में रख लिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो दादी खाने की तैयारी कर रही थी। उसने बैग में से हथौड़ा निकालकर दादी के हाथ में दे दिया। दादी ने कहा, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। उसने हथौड़ा उठाकर रख दिया। अभी वो लोग बैठे ही थे कि अचानक उन्हें चूल्हे के पास कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ी। देखा तो चूल्हे पर खीर रखी थी और 2 थालियों में तरह तरह के व्यंजन सजे थे। दोनों आश्चर्य से भर कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादी बोली, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हथौड़ा जादुई तो नहीं? आश्चर्य चकित से दोनों ने खाना तो खा लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सुबह सोकर उठे तो दोनों थालियां सोने के सिक्कों से भरी रखी थी। रमेश ने हथौड़े को उठा लिया और दादी से बोला, दादी, ये जादुई हथौड़ा है, अगर हमारी झोपड़ी भी हवेली बन जाए तो हम कितने आराम से रह सकते हैं ना? उसके इतना कहते ही झोपड़ी सभी सुख सुविधाओं से भरी हवेली में बदल गई। रमेश खुशी से झूम उठा और कहा, मेरे प्यारे हथौड़े, मेरी दादी की आँखों की रोशनी वापस कर दो। दादी की आँखों की रोशनी सचमुच वापस आ गई। दादी पोते पूरी हवेली घूम घूम कर देखने लगे। उन्होंने देखा उनकी हवेली के पीछे ही एक खूबसूरत सा बगीचा था। उस रात दोनों को नींद नहीं आई, कभी इतने आराम की आदत नहीं थी ना। रमेश ने सोचा, उस दिन जो बूढ़े बाबा लाइन में लगे थे उनको भी यहीं ले आता हूँ। अब हमारे पास कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर सब हैं, वो भी आराम से रहेंगे। बाबा की सलाह से मैं कोई अच्छा सा काम कर लूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह उस जगह पर पहुंचा तो बाबा लाइन में लगे थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, आप मेरे साथ चलिए, आपके लायक काम मिल गया है। बाबा उसके साथ उसकी हवेली पर आ गए। उन्होंने कहा, अब किसकी हवेली है, आप अंदर तो चलिए। बाबा जब अंदर गए तो रमेश ने कहा, आप बैठिए, मैं आता हूँ।
वह दादी के पास गया और उसने कहा, आप चलकर बाबा से मिल लो। दादी जैसे ही भीतर आई और बाबा पर उसकी नजर पड़ी, उनके पैर वहीं स्थिर हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रमेश ने दादी को पकड़कर हिलाया और बोला, दादी क्या हुआ आपको? बाबा रोते हुए बोले, बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मेरे परिवार से मिला दोगे। कहकर उसने रमेश को गले से लगा लिया। दादी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने 15 सालों तक कितनी तकलीफें सही, अकेले ही अपने बेटे बहू का दुख सहा और अपने छोटे से रमेश के सहारे जीवन काट दिया। बाबा ने बताया कि दिल्ली कमाने तो गए, पर एक दिन जब वो काम से लौट रहे थे तो कोई आदमी एक सेठ को चाकू मारकर भाग गया। वो सेठ को बचाने गए पर चाकू पर उनके हाथों के निशान देखकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें झूठे केस में जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद जब अपने घर आए तो वह घर बिक गया था। तब से वो रोज अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो गए। अब तो उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। रमेश दौड़कर जादुई हथौड़ा ले आया। उसने दादाजी को उसके बारे में बताया और बोला, दादाजी ये इसी जादुई हथौड़े की वजह से संभव हुआ है। उनका पूरा परिवार फिर से एक हो गया। उन लोगों ने बाकी का जीवन सुख से बिताया।